गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है ओलंपिक गेम्स। तो हम यहाँ आज ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब को कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ओलंपिक गेम्स। सबसे पहले लेते हैं एंशियंट ओलंपिक गेम्स, प्राचीन ओलंपिक गेम। तो प्राचीन ओलंपिक गेम्स जो थे वह स्टार्ट हुए थे 776 BC, 776 ईसा पूर्व एथेंस यूनान के अंदर। दोस्तों इसमें एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये एंशियंट ओलंपिक गेम्स जो थे वो किस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। तो वो जो था देवता उसका नाम है जियस। जियस देवता के ऑनर के अंदर वो ओलंपिक गेम्स मनाए जाते थे। दोस्तों जो क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं वो आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक नंबर के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि एंशियंट ओलंपिक गेम्स को किसने बंद करवा दिया। एक रोमन सम्राट था जिसका नाम था थियोडियस। तो थियोडियस ने ये गेम्स बंद करवा दिए। कब बंद करवा दिए? 393 ईस्वी के अंदर ये गेम थियोडियस ने बंद करवा दिए। वो कौन कहाँ का था, किस कंट्री का? रोम का, रोमन एम्पायर था, ठीक है। अब उसके बाद में आता है कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक का गठन हुआ था 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था। इसमें एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 23 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लॉजेन, लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर, लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट, वर्तमान में प्रेसिडेंट इसके कौन है? थॉमस बाक जो है इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान के अंदर, और वो किस कंट्री के हैं? वो जर्मनी के हैं। किस कंट्री के हैं? जर्मनी के हैं। तो ये था ओलंपिक के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं ओलंपिक गेम्स और वहां पर इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है ओलंपिक गेम्स के अंदर, हम इस पर डिस्कस करेंगे। 1896 में मॉडल ओलंपिक गेम्स शुरू हुए। अच्छा, एक बात यहाँ पे हम लोग सभी को याद रखनी चाहिए कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो थे वो किसने शुरू करवाए। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स शुरू करवाए थे कुबर्टीन ने, बेरान पीरियड दी कुबर्टीन। कुबर्टीन ने नवीन ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट करवाए थे, और कुबर्टीन किस कंट्री का था? फ्रांस का। कुबर्टीन कौन सी कंट्री का था? फ्रांस का। उसने ये गेम्स शुरू करवाए थे। तो 1896 को मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए। 1896 में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि पहले फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के अंदर कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। तो दोस्तों उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था 14 कंट्रीज ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में, क्योंकि ओलंपिक खेल हर 4 साल के बाद में होते हैं, तो 1900 के अंदर नेक्स्ट ओलंपिक गेम हुए। यहाँ पे एक भारतीय एथलीट जिसने 2 सिल्वर मेडल जीते थे एथलीट था, उसने 200 मीटर के अंदर जीता एक सिल्वर, और एक जीता था 200 मीटर हार्डल रेस के अंदर, और उसका नाम था नॉर्मन पिचार्ड था। उसने कितने मेडल जीते? 2 मेडल। एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया के द्वारा जीता हुआ पहला मेडल उस व्यक्ति का नाम और कब जीता, ठीक है। उसके बाद 1904 के अंदर ओलंपिक गेम हुए सेंट लुइस अमेरिका, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1908 के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए लंदन ओलंपिक गेम्स, लेकिन इंडिया का कोई पार्टिसिपेशन उसके अंदर नहीं था। 1912 स्टॉकहोम, वहाँ पे भी इंडिया का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। अब आता है 1916 के अंदर ओलंपिक गेम ही नहीं हुए ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले
प्रथम विश्व युद्ध के वजह से ओलंपिक गेम्स नहीं हुए। 1920, हालांकि इंडिया ने कोई मेडल 1920 में नहीं जीता, लेकिन फिर भी ये ओलंपिक हम लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हर कंपटीशन टेस्ट में लगभग पूछा जाता है। पिछला अभी हरियाणा के अंदर पीटीआई का जो एग्जाम हुआ था, वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन ये था, ओलंपिक फ्लैग पहली बार किस ओलंपिक के अंदर फहराया गया था? तो 1920 एटवर्प बेल्जियम के अंदर ओलंपिक फ्लैग को पहली बार फहराया गया था। ठीक है, वैसे इसका डिजाइन जो था वो कुबर्टिन ने बनाया था, उसकी मदद से बनाया गया था, और 1914 को ये बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 1920 में पहली बार एटवर्प में फहराया गया था। अब ओलंपिक फ्लैग के बारे में कई बार आप लोगों से पूछ लेते हैं कि इसके अंदर कितने रिंग हैं। ये सफ़ेद रेशम के कपड़े पे बना हुआ है, उसमें 5 रिंग है और 500 के 500 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि इसकी सीक्वेंस क्या है, पहले किस कलर का रिंग है, फिर उसके बाद किस कलर का, और ये जो कलर है वो किस कॉन्टिनेंट को, किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है, आपको एक सेकेंड में याद हो जाएगा। सबसे पहले है ब्लू, सबसे पहले कलर कौन सा है, ब्लू। उसके बाद में येलो, ब्लू के बाद कौन सा है, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, और वो कौन से कॉन्टिनेंट है? ब्लू रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, ब्लू यूरोप को, येलो एशिया को, येलो एशिया, ब्लैक अफ्रीका, ब्लैक अफ्रीका, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया, रेड अमेरिका, रेड अमेरिका। इसको हिंदी में हम लोग याद करते हैं तो बहुत जल्दी होता है, नीला यूरोप, नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया और लाल अमेरिका। ठीक है, तो कितना आसान है याद रखना। ठीक है, इसका एक पिक ले लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 1928 सबसे इंपॉर्टेंट ओलंपिक गेम फॉर इंडिया, क्योंकि इस ओलंपिक गेम में इंडियन हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों पहली बार भाग लिया और पहली बार में ही गोल्ड जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट। ठीक है, 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड, नीदरलैंड भी कहते हैं इसको, तो वहां पे हम लोगों ने क्या जीता, ओलंपिक हॉकी में गोल्ड जीता। ठीक है, 1932 लॉस एंजल्स अमेरिका, लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर हमने गोल्ड भी जीता और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कायम है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हम लोगों ने अमेरिका को उसी की कंट्री के अंदर 24-1 से हराया। अमेरिका ने एक गोल किया और हमने, इंडिया ने कितने गोल किए, 24, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज भी कि कोई टीम किसी अपोनेंट टीम को इतने बड़े अंतर से हराती है। ठीक है, उसके बाद में 1936 बर्लिन जर्मनी, बर्लिन जर्मनी के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए। हिटलर फाइनल मैच को देखने के लिए मैदान पे था और फाइनल मैच था जर्मनी वर्सेस इंडिया का। दोस्तों यकीन मानिए, हिटलर मैदान छोड़ के चला गया था, क्योंकि गोल्ड मेडल किसने जीता, इंडिया ने जीता। यहाँ तक दूसरी जो कंट्रीज थी उनको अब ये लग गया था कि अगर ओलंपिक में हॉकी के अंदर इंडिया आता है तो गोल्ड सिर्फ इंडिया का ही होगा। ठीक है, 1936 के बाद 1940 और 1944 ओलंपिक गेम्स नहीं हुए ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध की वजह से ओलंपिक गेम नहीं हुए। 1948 के अंदर ओलंपिक गेम होते हैं लंदन के अंदर, लंदन इंग्लैंड के अंदर, और वहां पर भी भारतीय हॉकी ने दिखा दिया कि गोल्ड तो इंडिया का ही है। ठीक है, और इस डेट को एक बार फिर आप याद रखिए, क्योंकि आजादी के बाद ये हमारा पहला ओलंपिक था। एक नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि आजादी के बाद ओलंपिक गेम्स में हमने कब पहला मेडल जीता, तो 1948 के अंदर हम लोगों ने हॉकी में पहला मेडल आजादी के बाद जीता। ठीक, 1952 में ओलंपिक गेम हुए हेलसिंकी के अंदर, हेलसिंकी में हम लोगों ने हॉकी में तो गोल्ड जीता ही, इसके अलावा इंडिविजुअल आजादी के बाद पहला मेडल भी हम लोगों ने जीता, वो जीता रेसलिंग में, रेसलिंग केडी जाघव,
केड़ी जागम ने ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग के अंदर जीता। तो 1952 में हमने कितने मेडल जीते? 2 मेडल जीते। 1956 मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया, 1956 मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हम लोगों ने गोल्ड जीता। दूसरी जो कंट्रीज थी, मेरे ख्याल से बातें करती होंगी कि गोल्ड इंडिया का है ही, वो आपस में फाइट करते थे सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए, गोल्ड के लिए कभी बेचारों ने फाइट की ही नहीं। ठीक है, ठीक कह रहा हूँ ना। 1960 रोम, 1960 रोम, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने गोल्ड नहीं बल्कि सिल्वर जीता। गोल्ड किसने जीता? पाकिस्तान ने गोल्ड जीता, पाकिस्तान ने। लेकिन 1964 टोक्यो जापान के अंदर हमने उसको बता दिया कि बेटा बाप आखिर बाप होता है, और 64 के अंदर 1964 में हमने वहां पे गोल्ड जीता दोस्तों। ठीक है, 1968 मेक्सिको, 1968 मेक्सिको के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए, वहां पे हमारी स्थिति थोड़ी सी डाउन हुई और हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल हॉकी के अंदर जीता। 1972 म्यूनिक वेस्ट जर्मनी, 1972 के अंदर म्यूनिक में ओलंपिक गेम्स हुए, वहां पे भी हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, अब उसके बाद में आता है 1976, 1976 में भारत ने कोई मेडल नहीं जीता दोस्त। उसके बाद में 1980 मॉस्को रूस, 1980 ओलंपिक गेम्स में भारत ने फिर संसार को बता दिया कि ओलंपिक का बादशाह यदि कोई है तो वो है इंडिया, और इंडिया ने वहां पे गोल्ड मेडल जीत करके ये साबित कर दिया। देखो दोस्तों, हॉकी ने हमारे देश के लिए बहुत सम्मान अर्जित किया है, इसीलिए तो हॉकी को हम हमारा नेशनल गेम मानते हैं। उसके बाद में 1984 के अंदर, 1988, 1992 और के अंदर जो ओलंपिक गेम्स हुए वहां पे इंडिया का कोई मेडल नहीं हुआ। अब आता है 1996 अटलांटा ओलंपिक गेम्स, और अटलांटा ओलंपिक गेम में भारत का एक ब्रॉन्ज मेडल आया, और वो आया टेनिस के अंदर लिएंडर पेस के द्वारा, टेनिस लिएंडर पेस। ठीक है, 1996। 2000 सिडनी ओलंपिक गेम्स, 2000 सिडनी ओलंपिक गेम्स के अंदर भारतीय टीम गई, लेकिन लाज जो है भारत की वो रखी भारत की एक बेटी ने जिसका नाम है करणम मल्लेश्वरी। करणम मल्लेश्वरी ने वहां पे एक ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग के अंदर प्राप्त किया। देखो एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि वेमेन के द्वारा, इंडियन वेमेन के द्वारा जीता हुआ फर्स्ट मेडल कौन सा है, किस ओलंपिक गेम में जीता और किसने जीता? तो करणम मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक गेम्स के अंदर। अच्छा, उसकी वेट कैटेगरी कई बार पूछ सकते हैं, तो वेट कैटेगरी है 69 kg। ठीक है, उसके बाद आता है 2004 के अंदर एथेंस के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए, और वहां पर एक सिल्वर मेडल भारत का आया, और वो भी आया एक फौजी के द्वारा, और वो फौजी जो आगे चल करके भारत का खेल मंत्री भी बना दोस्तों, और उसका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। शूटिंग के अंदर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सिल्वर मेडल 2004 के अंदर। उसके चार साल के बाद में ओलंपिक गेम होते हैं 2008 बीजिंग चाइना के अंदर, 888 यानी वो हुए थे 8 अगस्त को, और 2008 को स्टार्ट हुए थे 888, एक अच्छी उन लोगों ने सीक्वेंस रखी थी। तो 8 अगस्त 2008 को बीजिंग चीन के अंदर ओलंपिक गेम हुए, और वहां पर इंडिया को 3 मेडल मिले, जो बहुत बढ़िया पोजीशन थी इंडिया की। और पहला मेडल था शूटिंग के अंदर अभिनव बिंद्रा का, और वो भी गोल्ड, सोने का मेडल। ठीक है, उसके बाद में बॉक्सिंग, हरियाणा का विजेंद्र सिंह जो भिवानी से है उसने मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, उसके बाद में तीसरा मेडल आया रेसलिंग के अंदर सुशील कुमार का, वो भी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इस प्रकार से हमने बीजिंग ओलंपिक गेम्स में कितने मेडल जीते? 3 मेडल जीते। 2012 लंदन इंग्लैंड के अंदर भारत की पोजीशन सबसे अच्छी रही पदक तालिका के अंदर, बढ़िया हम लोगों ने परफॉर्म किया, वहां पे हम लोगों ने 6 मेडल जीते।
ठीक है, अब तक सबसे ज्यादा मेडल हमने 2012 में ही जीते हैं दोस्तों। 2012 में मेडल देखो, सबसे पहले शूटिंग के अंदर विजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद में रेसलिंग के अंदर सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता। एक नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है कि उस रेसलर का या उस का नाम बताओ जिसने दो ओलंपिक गेम्स में मेडल जीते हैं। तो 2008 में भी उसने मेडल जीता और 2012 में भी मेडल जीता सुशील कुमार ने। 8 में जीता था ब्रॉन्ज और 12 में जीता उसने सिल्वर मेडल सुशील कुमार ने। उसके बाद में बैडमिंटन साइना नेहवाल, मैरी कॉम, बॉक्सिंग के अंदर उसने ब्रॉन्ज जीता, बहुत बड़ी प्लेयर है मैरी कॉम, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है मैरी कॉम, बड़ी सीनियर प्लेयर है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इसको मिल चुका है। शूटिंग के अंदर गगन नारंग, इसने भी वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, रेसलिंग के अंदर एक मेडल हमारा और आया और वो आया योगेश्वर दत्त के द्वारा। अब है पिछले ओलंपिक गेम्स 2016 रियो ओलंपिक गेम्स यानी ब्राजील के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय बेटियों ने ही भारत की लाज बचाई, दो मेडल आए और दोनों के दोनों लेडीज के। फर्स्ट था बैडमिंटन के अंदर पीवी सिंधु का, ठीक है, और वो था सिल्वर मेडल। एंड द सेकंड वन इज रेसलिंग के अंदर साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल। तो दो मेडल आए, दोनों के दोनों लड़कियों ने ही वो मेडल जीते थे। 2020 के अंदर टोक्यो जापान के अंदर ओलंपिक गेम्स होने थे लेकिन नहीं हुए ड्यू टू कोविड-19। तो दोस्तों ये थे ओलंपिक गेम्स में भारत के द्वारा जीते हुए मेडल। ठीक है, देखो टोटल मेडल हम लोगों ने कितने जीते। टोटल हम लोगों ने 9 गोल्ड 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज, 28 मेडल हम लोगों ने ओलंपिक गेम्स में 2016 तक जीते। ठीक है, लेकिन कम मेडल है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा हॉकी के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हॉकी में हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज भी, भले ही हम लोगों ने 1980 के अंदर अपना अब तक का लास्ट जो मेडल था हॉकी में वो जीता है, उसके बावजूद अभी भी सबसे ज्यादा मेडल हम लोगों ने ही ओलंपिक में हॉकी के अंदर जीते हैं। हॉकी में हम लोगों ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। 8 गोल्ड देखो 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980, इस प्रकार से हम लोगों ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया ने ही हॉकी के अंदर जीते हैं। 1 सिल्वर मेडल हम लोगों ने हॉकी में जीता, वो जीता था 1960 के अंदर। 2 ब्रॉन्ज हम लोगों ने हॉकी में जीते 1968 और 1972 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन जो है ओलंपिक से रिलेटेड आते हैं, जैसे ओलंपिक मोटो क्या है, ओलंपिक आदर्श क्या है। तो ओलंपिक मोटो है सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस। सीटियस का मतलब होता है फास्टर, बहुत तेज, ऑल्टियस हायर, बहुत ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रोंगर, बहुत जोर से। ठीक है, अब इसके अलावा एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि वेमेन ने पहली बार किस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। वेमेन प्लेयर्स ने ओलंपिक में पहली बार कब पार्टिसिपेट किया, 1900 से उन लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था दोस्तों। और 1900 में कितनी वेमेन प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, 22 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों ये थे ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन जो आमतौर पर एग्जाम में आते रहते हैं। आई होप कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा, क्योंकि पढ़ने में मज़ा ना आए तो पढ़ाई बड़ी बोरिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसका एक पिक ले लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।